हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं गफ्फार मार्केट करोल बाग। अगर आप करोल बाग में आए हैं और आप ओम कॉर्नर पर नहीं आए और यहाँ के आपने नान नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया, हर चीज़ आपने मिस कर दी। मतलब आपने नान बहुत खाई होगी, स्टफ नान, पर यहाँ की नान एक अल्टीमेट, जितनी इसकी तारीफ करो उतनी कम है, जैसे हमने लोगों से सुना है। बाकी हम आपको यहाँ के खा के बताएंगे और फिर एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा है। हाँ जी गाइस, आ गए हम होम कॉर्नर वालों के पास, बनवाते हैं अपनी नान और पूछते हैं कितनी बड़ी नान है। हेलो भैया, कितनी बड़ी नान है हमारी? सर बहुत बड़ी है नान तो। फिर इतनी बड़ी है? इतनी है, इतनी बड़ी है। अरे भाई, इतनी बड़ी तो खाई भी नहीं जानी, बहुत बड़ी नान हो जाएगी। बाकी कहते हैं ना, रिश्ते में हम तुम्हारे नान लगते हैं, नाम हमारा स्टफ नान, तो आप हमारी नान बनाइए। बड़े भाइयों, आ गई हमारी नान। मतलब इतनी बड़ी नान है जो हमारे कैमरे वाले भैया हैं उन्हें भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। कभी मतलब पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर, मतलब फ्रेम में भी नहीं आ पा रही, इतनी बड़ी नान है। बाकी हम खा के आपको बताते हैं। ये इनके राजमा है, मतलब एक सब्जी मिलती है, छोले ले लो, मखनी दाल ले लो, कुछ भी ले लो, आज हमारे राजमा के साथ खाने का मन था। कैमरा भाई आप बिगाड़ लो और हम भाई नान तो देखो, नान हट के है, साइज में बड़ी है, टेस्ट में भी यूनिक टेस्ट है, बट नान से भी ज़्यादा टेस्ट जो है इनके राजमे का है। राजमा मतलब ऐसा है, इतना टेस्टी है, मतलब रू का खाने का मन कर रहा है। मतलब ऐसा है जैसे इनका नाम है ना, जो किसी का नाम ही नाम होता है, बट टेस्ट इतना खास नहीं होता। इनका नाम के साथ साथ टेस्ट भी है, टेस्ट मतलब लाजवाब, जितनी इनकी तारीफ करो उतनी कम है। कभी आप करोल बाग आ रहे हैं या गफ्फार मार्केट आ रहे हैं तो आप ओम कॉर्नर वालों के छोले भटूरे और नान खाने मत भूलना। थैंक यू गाइस। हाँ जी गाइस, हमने तो खा ली अपनी नान, स्टफ नान, इतनी बड़ी नान। बाकी हम भैया से पूछते हैं, वैसे तो भैया छोले भटूरे खा रहे हैं तो देखने में लग गया होगा भैया के छोले भटूरे बहुत फेवरेट होंगे, तो बाकी भैया से पूछते हैं भैया कब से आ रहे हैं और क्या क्या कैसा टेस्ट लगता है? भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम विशांत खंडेलवाल है। तो सर आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ 3 से 4 ईयर से आ रहा हूँ जी। तो क्या टेस्ट आपका है यहाँ का? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अच्छा, जो छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे लगे या कि नान? दोनों कंपैरिजन के अकॉर्डिंग छोले भटूरे ज़्यादा बेस्ट है। ये तो इसलिए ना आपके फेवरेट है। हाँ, ये फेवरेट है, बट ये है कि इन्होंने जो नान स्टार्टिंग करी है वो आफ्टर 2 ईयर्स से करी है। अच्छा, आफ्टर 2 ईयर्स से। हाँ, और छोले भटूरे इनके कम से कम नहीं तो 25 ईयर्स हो गए। अच्छा, 25 ईयर्स छोले। हाँ, फेमस ये छोले भटूरे के लिए ही है मेन तो, बट इनके छोले भटूरे बहुत टेस्टफुल है जी। आपने देख रहे होंगे, नियर बाय भी आप सबके देख रहे होंगे, सब छोले भटूरे खा रहे हैं। और बट नान भी बहुत अच्छी है इनकी। नान अभी इन्होंने नया न्यू स्टार्ट किया है, बट नान बहुत इनकी प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी टाइप और काफ़ी बड़ी। हाँ, तो
बहुत लार्ज स्केल की नान है जी। तो आप हमारी ऑडियंस से कह सकते हैं आप आके खा सकती हैं? यस, आप आइए यहाँ पे सब लोग, और यहाँ आप छोले भटूरे और नान, आपको जो भी खाना है आप खाइए। दिल्ली तो फेमस ही है अपना छोले भटूरे के लिए, तो कभी भी आप दिल्ली आओगे तो छोले भटूरे ज़रूर टेस्ट कीजिए। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, यहाँ के छोले भटूरे बहुत बेस्ट है। नियर बाय लोकेशन है करोल बाग, विष्णु मंदिर नियर बाय है रेगरपुरा। तो गाइस आप भी आना, अगर नान नहीं खाते कोई नहीं, छोले भटूरे अल्टीमेट जबरदस्त बनाते हैं, तो आप आना खा के मैं कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगे। थैंक यू गाइस।